गाइस क्वाड ग्रुप क्या है, क्वाड ग्रुप क्यों बना और इसका भविष्य क्या हो सकता है, आज इस वीडियो में इसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन कुमार और आज इस वीडियो में हम क्वाड ग्रुप को रिकॉर्ड करेंगे। क्वाड ग्रुप बेसिकली चार डेमोक्रेटिक कंट्री का समूह है जिसमें आता है अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और अगर 2020 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखें तो अमेरिकन मिलिट्री इसमें नंबर एक पे है और नंबर चार नंबर पांच पे आते हैं जापान और भारत। और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ज्यादा पीछे नहीं है, नंबर 19 पे आता है ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और अगर ये चार देश एक साथ आ जाए तो ग्रुप जो बनेगा या जो समूह बनेगा वो अपने आप में काफी ताकतवर समूह है। अब सवाल आता है क्वाड ग्रुप बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इन चार आर्थिक और सैन्य महाशक्ति को आने की जरूरत क्या पड़ी एक साथ। सो गाइस, इसमें पहला जो आपका कारण है वो है चाइना का साउथ चाइना सी में पूरा अकेला क्लेम। गाइस अभी जो मैप देख रहे हैं ये साउथ चाइना सी और जो डॉटेड लाइन आपको पैटर्न दिख रहा है ये साउथ चाइना सी जो कि चाइना क्लेम करता है और इसको बोलता है 9-line। और इसी 9-line की वजह से चाइना और वियतनाम में काफ़ी विवाद रहता है पार्सल आइलैंड्स को लेके, और चाइना और फिलीपींस में भी काफ़ी विवाद रहता है स्पार्टली आइलैंड्स को लेके। और चाइना इस क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी काफ़ी प्रभावित करता है। हालांकि चाइना 2006 में इस क्लेम को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में हार चुका है, फिर भी चाइना इसको मानने को तैयार नहीं है और अपने सो कॉल्ड 9-line को पूरे दुनिया में थोपना चाहता है। और इसका दूसरा सबसे प्रमुख कारण है चाइना का एग्रेशन। और हाल ही में आपने सुना होगा भारत और चाइना का जो एग्रेशन हुआ लद्दाख में, सेम यही चीज हो रहा साउथ चाइना सी में जापान के साथ सेंकाकू आइलैंड को लेके। और हमने हांगकांग में भी देखा क्या हुआ जहाँ पे चाइना ने डेमोक्रेसी को पूरी तरह हटा दिया और वियतनाम के भी 7 मछुआरों की उन्होंने जान ले ली। और यही नहीं दोस्तों, आज के समय चाइना का 17 देश, जी हाँ दोस्तों 17 देश के साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। और इसी एग्रेशन को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बना जिसमें कि इन चार महाशक्तियों को एक साथ आना पड़ा। अब बात करते हैं क्वाड ग्रुप का भविष्य का, इसका भविष्य क्या हो सकता है। वेल गाइस, अभी जैसे हालात चल रहे हैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि क्वाड ग्रुप भविष्य में एक्सपेंड होगा। तो अब सवाल यह आता है कि इस क्वाड ग्रुप को कौन कौन भविष्य में ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें तीन सबसे प्रमुख नाम जो है वो है वियतनाम, फिलीपींस और सिंगापुर। और मैं इसका रीजन बताऊंगा कि ये तीन देश भविष्य में क्यों ज्वाइन करेंगे। तो गाइस, वियतनाम का 1969 में एक वॉर हो चुका है चाइना के साथ और इनका आज के तारीख में बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है चाइना के साथ। और हाल ही में चाइनीज नेवी ने 7 वियतनामीज फिशरमैन की जान ले ली थी। तो वियतनाम के पास तो कई सारे प्रमुख कारण है क्वाड ज्वाइन करने का। और अगर बात करें फिलीपींस की तो फिलीपींस एक बार चाइना को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा चुका है और फिलीपींस चाइना के बीच में भी बॉर्डर विवाद है। और अगर बात करें सिंगापुर की तो सिंगापुर पहले भी एक बार मालाबार एक्साइज को ज्वाइन कर चुका है और सिंगापुर के काफी अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका के साथ। और गाइस, इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जो इस क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली आसियान देश। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे और देश हैं जो इस क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे भविष्य में। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।